अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेटवे इन्फो नेटवर्क, हमारा यूट्यूब चैनल। बगदाद की तबाही, 25 लाख मासूम मुसलमानों के खून और अभिजात मुस्लिम औरत जात की जलील जिंदगी को देख के दुनिया की तमाम मुसलमानों की रूह तक नफरत और इंतकाम की आग से भर गई। बगदाद की तबाही के बाद हलाकू खान सीरिया की अयूबी सल्तनत को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दिया और सीरिया को कब्जा कर लिया। बगदाद की बहसी कत्लेआम ने सिर्फ मुसलमान दुनिया को नहीं, खुद चंगेज खान के बेटा जोची खान के औलादों को भी बेपनाह नफरत और गुस्सा दिला दिया। अब्बासी खिलाफत और अयूबी सल्तनत को कब्जे के बाद हलाकू खान जेरूसलम को फतेह करके कैथोलिक पोप और क्रिश्चियन दुनिया को तोहफे में देना चाहा, लेकिन पोप और क्रिश्चियन दुनिया 700 साल मुसलमानों से जंग लड़ते लड़ते मुसलमानों को अच्छे से जानते थे। मुसलमान बगदाद का बदला जरूर लेगा और मुसलमान दुनिया की खौफ से मंगोल के साथ ना देने की फैसला किया। यूरोप के क्रिश्चियन दुनिया समझ गए बुद्धिस्ट चाइना और मंगोलिया की मंगल हुकूमत को जब तक मुसलमान दुनिया से खत्म नहीं कर देगा तब तक रुकेगा नहीं, मंगोलों की तबाह होना निश्चित है। क्रिश्चियन दुनिया की साजिश ये भी रहा था कि वो चाहते थे मंगल सीधा सीधा मुस्लिम दुनिया से दुश्मनी मोड़ ले। अब जब बुद्धिस्ट मंगल हुकूमत और मुस्लिम दुनिया एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे तो पोप और क्रिश्चियन दुनिया अब दूर से तमाशा देखना जरूरी समझा। इधर बहसी खुखार मंगल सेनाओं की ताकत से हलाकू खान तमाम मुस्लिम दुनिया का खात्मे की नियत कर चुके थे। बगदाद के बाद दमिश्क और अब जेरूसलम और जेरूसलम के बाद पाक शहर मक्का और मदीना को भी बिल्कुल बगदाद की तरह राख का ढेर बनाना था। मंगल हुकूमत के सामने एक ही बाधा बने थे, वो है ममलुक हुकूमत। पूर्वी दिशा में हिंदुस्तान में ममलुक हुकूमत है और पश्चिम में मिस्र जेरूसलम को मिला के मिस्री ममलुक सल्तनत। हलाकू खान के पास जॉर्जिया के किंग डेविड और आर्मेनिया के किंग हेथाम के सेना मौजूद थे। ये तीन ताकत मिलके पहले मिस्र की ममलुक हुकूमत को मिटा देने की नियत किया। मिस्र में हुकूमत खोने के बाद डर के ममलुक सुल्तान हिंदुस्तान तो मंगोलों को तोहफे में दे देगा, लेकिन हलाकू खान और मंगोल हुकूमत ये भूल गया कि अब तक मुसलमानों के साथ सीधा सीधा जंग में मंगोल सेना की सामना नहीं हुआ। बगदाद को धोखे से जीता और 25 लाख मासूमों की जान लिया। सीरिया ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुसलमानों की जंग की अदा, लड़ाई की नीति और जुनून के बारे में मंगल हुकूमत को कोई अंदाजा भी नहीं था। टुकड़ों में बिखरे मुसलमान दुनिया को बगदाद की तबाही ने एक साथ खड़ा कर दिया। मुसलमान बेताब थे बगदाद के इंतकाम लेने के लिए। बहसी मंगल सेना को भी तब तक 40 सालों की हुकूमत की जिंदगी में कभी भी किसी जंग में शिकस्त नहीं मिला था और आधी दुनिया जीत चुका था। अब मामलुक हुकूमत में घुस घुस के कुछ हमला कर करके जॉर्डन नदी के तमाम एरिया को कब्जा करते गए, लेकिन मामलुक हुकूमत ने अब तक कोई माकूल जवाब नहीं दिया था। दरअसल मामलुक सल्तनत की अजीम सिपाहसालार रुकनुद्दीन बाइबर्स अपनी फौज के साथ जंग की तैयारी कर रहा था। 1260 25 जुलाई हलाकू खान ममलुक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज को मंगल सम्राट मोंगे खान की तरफ से खत भेजा और आत्मसमर्पण करने को कहा। खत का लिखावट कुछ इस तरह से थे, पूरब से पश्चिम तक राजाओं के राजा महान खान के तरफ से कुतुज ममलुक के नाम पे एक खत जो हमारे तलवारों से बचने के लिए छुपे हुए है। कुतुज ममलुक, तुमको सोचना चाहिए तमाम दूसरे देशों के साथ हमने क्या किया। तुमने सुना होगा कैसे हमने इतनी बड़ी मंगल साम्राज्य बनाया और दूसरे साम्राज्य पर फतेह हासिल किया। जमीन को गंदा करने वाले पागलों की खून से हमने साम्राज्य की जमीन को धोया। तुम हमारे सेनाओं की बहसी खौफ से नहीं बच सकते, कहां तक भागोगे तुम? हमसे बचने के लिए तुम अब क्या करोगे? हमने तमाम लोगों की नरसंहार करते हुए ये बहसी सेना का निर्माण किया। हमारे घोड़ा तेज रफ्तार है, हमारे तीर तेज है, हमारे तलवार बिजली की तरह है, पहाड़ जैसा कठोर दिल है हमारे, सहारा की रेत जैसा अनगिनत सेना है हमारे पास। कोई किला हमें नहीं रोक सकता, ना कोई सेना जमीन में मौजूद है जो हमें रोक सकता है। तुम्हारा इबादत और तुम्हारे अल्लाह हमसे तुमको निजात नहीं दिला सकते। जंग शुरू होने से पहले आत्मसमर्पण करने की ये खत के जवाब दे और अपना मुल्क हमें समर्पित कर दे।
अगर हमारा विरोध करोगे तो भयानक तबाही का नजारा देखोगे। हम तुम्हारी तमाम मस्जिदों को चकनाचूर करते हुए तुम्हारी कमजोर अल्लाह की कमजोरी जाहिर कर देंगे। तुम्हारा हर बच्चे और तुम्हारे बूढ़े बुजुर्गों को एक साथ मौत के घाट उतार देंगे। वर्तमान दुनिया में तुम ही हमारे आखिरी दुश्मन हो जिसके खिलाफ हमें आगे बढ़ना है। हलाकु खान। ममलुक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज दोनों मंगल दूत को काट के राजधानी काहिरा की सदर दरवाजे पे लटका के जाहिलाना खत का जवाब दिया। ममलुक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज अपनी हिंदुस्तान की ममलुक सल्तनत से 1,00,000 की एक विशाल सेना को बुलाया था, जो सीधा सीधा दमिश्क में हमलावर होके सीरिया को फतेह करेगा और दूसरी तरफ जेरूसलम से हमला करते हुए दमिश्क में पहुंच के तमाम आयुबी सल्तनत को खुखार मंगोलों से छीन के हर घुसबैठी मंगल सेना को सहारा में दफना देगा। लेकिन हलाकु खान ने एक चालाकी भरा चल चला और तय वक्त से पहले ही जॉर्डन नदी पार करके ममलुक सल्तनत में दाखिल हो गया। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज आयुबी सल्तनत के भागे हुए सुल्तान सुल्तान अल मंसूर को हुक्म दिया वह अपनी फौज को तैयार करे और आने जुलूत की पहाड़ी इलाका में अवस्थान करे। आयुब सल्तनत की फौज जो दमिश्क से भागे हुए थे वो सुल्तान अल मंसूर से मिलके अंजालूत की पहाड़ों में छुप के जंग की तैयारी कर रहे थे। जंग की अजीम अदा के तौर पे ममलुक सुल्तान की सिपाहसालार अल मलिक अल जाहिर रुकनुद्दीन बाइबर्स को भी 20,000 सेना के साथ आने जुलूत की पहाड़ों में भेज दिया और खुद 20,000 सेना के नेतृत्व करते हुए जेरूसलम की तरफ कूच किया। 70,000 मंगल सेना किंगडम ऑफ जॉर्जिया के 20,000 सेना आर्मेनिया किंगडम की 10,000 सेनाओं के साथ 1,00,000 की एक विशाल सेना लिए सीधा सीधा राजधानी काहिरा में हमला करना चाहा हलाकु खान। लेकिन सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज के जेरूसलम की तरफ कूच के खबर से सीधा जेरूसलम में मुसलमानों की सेनाओं का सामना करने की रणनीति बनाया। 1258 में बगदाद की फतेह के बाद मंगल हुकूमत ने बगदाद की गवर्नर बनाया था चीन की सेना जनरल गुयो कान को। गुयो कान खुद आके जर्डन नदी के किनारे हलाकु खान से मिले और बताया, सम्राट कुबलाई खान ने फौज की कमान तुम्हारा भाई किताबुगा खान को दिया जाने की हुक्म फरमाया और तुमको राजधानी कोराकरम वापस जाने की हुक्म दिया है। हलाकु खान मैदान जंग में भाई किताबुगा खान को दक्षिणी मंगोल सेना की कमान देके राजधानी काराकोरम की सफर किया। ये वही किताबुगा खान है जिसने 20,000 चाइनीज हान समुदाय की खूखार कातिल फौज के नेतृत्व बगदाद में किया था। मंगोल सेना की खूखार एलिट दस्ता का नेतृत्व करके बगदाद की 20,00,000 मासूम मुसलमानों को कत्लेआम करने वाला किताबुगा खान अब तमाम मंगोल फौज की आर्मी जनरल बन के मिश्र हुकूमत को फतेह करके 2 साल पहले किया गया दस्ता ने बगदाद को दोहराने के मकसद से खूनी फौज लिए आगे बढ़े। ममलुक सेनापति रुकनुद्दीन बाइबर्स का रणनीति था मंगल सेना को राजधानी काहिरा दाखिल होने की मौका नहीं देना चाहिए। खुखार मंगल सेना इस्लामी फौज पे हमला करे उससे पहले इस्लामी फौज रास्ते में ही काफिर मंगल सेना पे हमलावर हो जाए और अजीम इस्लामी आर्ट ऑफ वार की नुमाइश करेगा। एक तिहाई इस्लामी फौज के नेतृत्व खुद सुल्तान करते हुए मंगल सेना का सामना करेगा और पीछे हटते हुए अंजालूत की पहाड़ी इलाका तक ले जाएगा। जंग की अदा के मुताबिक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज जेरूसलम की तरफ मार्च किया। जब मंगोल सेना जेरूसलम के नजदीक पहुंचा तो सुल्तान अपना 20,000 सेना के साथ उल्टे दिशा आने जलूत की तरफ मुड़ गए और हिट एंड रन पद्धति के अनुसरण करते हुए आक्रमण के साथ सफर को जारी रखा। 1,00,000 की विशाल मंगोल सेना 20,000 की इस्लामी फौज के पीछे बहसियाना खुखार अंदाज में आक्रमण करते हुए पीछे पीछे चलते गए। ठंडे मौसम के पले बड़े क्रिश्चियन और मंगोल सेना सहारा रेगिस्तान की नाकाबिले बर्दाश्त धूप और गर्मी में भारी साजो सामान के साथ 30 मील के रास्ते हिट एंड रन के जंग अदा से अवगत नहीं था। लेकिन 1,00,000 की खुखार मंगोल सेना के सामने 20,000 मुसलमान सेनाओं की इस जंग में मंगोलों को जीत निश्चित लगा, इस लालच में वो पीछे पीछे चलते गए। इतिहास में ये जंग बैटल ऑफ आइन जालूट के नाम से दर्ज है। ये वो अजीम जंग है जिसके बदौलत दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत हुआ, धरती पे इस्लाम दोबारा शेर खड़ा कर पाए। 40,000 की ये अजीम इस्लामी फौज दुनिया की इतिहास को बदलने वाला था।
काफिरों की तमाम साजिश और ताकत की खत्म की आखिर दिन आ ही गए। 1260 की 13 सितंबर दोपहर तक पूरा 100,000 की मंगोल सेना को अपना पीछा कराते हुए सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज आने जलूद की पहाड़ी इलाके तक पहुंच गए। तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ आने जलूद के सामने 20,000 मुसलमानी फौज और थके हुए 100,000 मंगोल सेना। मंगोल सेना को अब लगा सुल्तान और उसकी 20,000 फौज के पीछे 100,000 मंगोल सेना और बाकी सामने की तीन दिशे में ऊंचे पहाड़ से घिरा हुआ है। अब मुसलमानी फौज पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब हम तसल्ली से तड़पा तड़पा के बेदर्दी के साथ सुल्तान और उसकी सेना को खुखार मौत देंगे, जिसको इतिहास बरसों तक याद रखेगा। अचानक पहाड़ और खुले हुए दिशा से 40,000 की फौज खड़े हुए और मंगोल सेना को घेर लिया। मजबूरी में मंगोल सेना दक्षिण दिशा में पीछे हटे और पीछे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। मुस्लिम फौज अब तीनों दिशा को घेर लिया। सिपाह सालार रुकनुद्दीन बाईबर्स बोला, किताबुगा खान सामने आओ, आज बगदाद के हिसाब लेने का दिन है। 2 साल 7 महीना 19 दिन की शबर और इंतजार के बाद आज आया इंतकाम के वो दिन। तेरे भाई गांव और हलागू खान तुझे अकेला छोड़ के भाग गया, लेकिन तू फिकर मत कर, तू जहन्नम में अपनी बाप चंगेज खान से मिल के इंतजार करना और बोलना, रुकनुद्दीन बाईबर्स ने वादा किया तुम्हारा तमाम काफिर नस्ल को उनसे मिलाने के लिए जल्द जहन्नम पहुंचा देंगे। जवाब में किताबुगा खान कुछ बोल पाता उससे पहले मुसलमानों की 30,000 तीरंदाजों ने 100,000 मंगोल सेनाओं के ऊपर तीरों की बरसात करना शुरू कर दिया। इतना तीर मारा गया कि हर मंगोल सेना के जिस्म में 10-10 तीर लगे हुए थे। ना कोई गिरफ्तारी और ना कोई नरमी। पूरा 100,000 की खुखार मंगोल सेना को लाश में तब्दील करके भी मुसलमान सेना नहीं रुके। सेना ने सुल्तान को अनुरोध किया मुसलमान सेना को अपना तमाम तीर मंगोल सेना के जिस्म से निकालने की इजाजत दिया जाए, ताकि मुस्लिम फौज यहीं से सीरिया की दमिश्क कूच करके दमिश्क को मंगोल सेना से छुड़ा ले। सुल्तान ने इजाजत दे दिया। मुसलमान फौज ने ये इजाजत तीर निकालने के लिए नहीं, अपना इंतकाम पूरा करने के लिए मांगे थे। मुसलमानी फौज ने तीर निकालने के बहाने बहसी मंगोल सेना को बहसीपन का ही नमूना दिखाना चाहा। तीर से जख्मी मंगोल सेना जो तड़प रहे थे उनको 10-10 टुकड़ों में काट के फेंकना शुरू किया। कुछ ही देर में 100,000 मंगोल सेना की जिस्म के टुकड़ों से गोश्त की एक पहाड़ बना दिया गया और ताइबुका खान की गर्दन काट के एक मंगोल सेना के हाथ में दे के मंगोल हुकूमत की राजधानी काराकोरम की तरफ रवाना कर दिया। आने जलूद में शिकस्त खाने वाला मंगोल हुकूमत की ये पहली जंग में शिकस्त था। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज तमाम सेना के साथ आईबी सल्तनत की राजधानी दमिश्क की तरफ कूच किया और तमाम सीरिया को नापाक मंगोलों से मुक्त करा लिया। करीब 6,000 मंगोल सेना और अधिकारी सीरिया में मौजूद था, उन सब को मौत के घाट उतार दिया गया। एक साल बाद फिर से आयुबी सल्तनत को मंगोलों से छुड़ा के आयुबी सुल्तान अल मंसूर को दोबारा सल्तनत के सुल्तान बना दिया गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को देखने में मदद करें।